Welcome to all of you on StudyKeda. In this video, we are going to discuss about the FAQ on DSE entrance. So let's start it. The first question is from Ashwani. The first question is, sir, I am from AU. यहाँ पर econometrics है ही नहीं. So sir, please tell us something about econometrics and also some questions based on it. तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि econometrics रिलेशन में नहीं है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. एक बेसिक सी बुक आती है DN गुजराती, उसको आप परचेस करो और उसको फॉलो अप करो, आपकी इकोनॉमेटिक्स ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी. इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप इकोनॉमेटिक्स में कोई भी एक क्वेश्चन अगर एंट्रेंस में आता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्लियर कर लोगे. सेकंड क्वेश्चन इज, सर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी होगा काउंसलिंग के टाइम पे एडमिशन लेने के लिए? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, काउंसलिंग वगैरह कुछ नहीं होती. इफ़ यू आर गोइंग टू क्लियर द रिटर्न एग्जामिनेशन, आपका एंट्रेंस क्लियर होता है तो डायरेक्ट एडमिशन ऑफर होगा, कोई काउंसलिंग या कोई ऐसा इंटरव्यू राउंड नहीं है. इसका पेपर पैटर्न डिस्कस करा दीजिए प्लीज़, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग तरीके से दिया गया है. अलग अलग तरीके से इसलिए दिया गया है क्योंकि DSE का एक तो पैटर्न कई बार चेंज हो चुका है, और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि DSE के एंट्रेंस में ना प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, बिल्कुल जीरो होती है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है. बिकॉज एवरी ईयर दे आर इंटरचेंजिंग देयर क्वेश्चंस, कभी किसी भी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी किस पोर्शन से ज़्यादा आते हैं, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी गेम थ्योरी से 6 क्वेश्चन पूछ लिए, कभी 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा मिलती हैं. तो इस वेरिएशंस की वजह से ये जो आपको प्रीवियस ईयर देखोगे तो थोड़ा अलग अलग तरीके से दिखाई देगा. अभी करंट में क्या चल रहा है, फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट बता सकता हूँ. पहले 2 सेक्शंस आते थे, अभी सिर्फ 1 सेक्शन आता है. और उस सेक्शन में भी क्या रहता है, 2 सब सेक्शंस होते हैं, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी. तो अभी यही फॉलोअप होता है, बाकी कुछ नहीं है. सेकंड क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मीरा. सेकंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम ग्रेजुएट विथ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एज माई सब्जेक्ट्स एंड आई हैव नॉट मच होल्ड ऑन मैथमेटिक्स, बट एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू परसू माई मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स. हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू क्लियर द एंट्रेंस? इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, दोनों की होल्ड है तो अच्छी बात है, आपको एक एज मिली हुई है प्रिपरेशन में. मैथमेटिक्स पे होल्ड नहीं है तो उसका बेसिक तरीका है, एक बुक आती है चॉम्स्की की, यू हैव टू फॉलो दैट. और अभी बुक लिस्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए हम रेफर कर सकते हैं, बेसिक क्लियर करने के लिए, इंटरमीडिएट लेवल पर जाने के लिए और एडवांस लेवल पर जाने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम कैफ डेक्सटर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम DU कैन अपीयर ओनली. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप DU स्टूडेंट्स खाली अपीयर हो सकते हैं मेरिट बेस पे. DSE का जो एंट्रेंस होता है या एडमिशन होता है, वो उसके 2 तरीके होते हैं. फर्स्ट, अगर आप DU के स्टूडेंट हैं और आपने इकोनॉमिक्स में एडमिशन, इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन ले रखा है, तो आप मेरिट बेस पे एलिजिबल हो. सेकंड होता है एंट्रेंस बेसिस पे. तो मेरिट बेस पे खाली DU के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन जो एंट्रेंस बेस पे है वो ओपन अप रहता है, ऑल ओवर इंडिया कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप अपीयर हो सकते हो उसमें. बस आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल करना है, जो कि हम वीडियो के एंड स्लाइड में डिस्कस करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम चौरसिया शाह. कैन आई अपीयर नाउ? हाँ, यू कैन अपीयर नाउ इफ़ यू आर ग्रेजुएट. अगर आप अभी ग्रेजुएट हो तो आप अपीयर हो सकते हो, या फिर लास्ट सेमेस्टर आपका तो भी आप अपीयर हो सकते हो. एलिजिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में. सेकेंड क्वेश्चन इज, आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड वॉन्ट टू परसू दिस कोर्स. आई एम टोटली न्यू टू द सब्जेक्ट. वट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर ए नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स? देखो, पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस है. DSE में ऑलमोस्ट 30% का जो क्राउड आता है वो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड का होता है, इंजीनियर्स होते हैं मेनली, BTech या BSc करके आए होते हैं, या फिर कुछ जो होते हैं IIT से भी आए होते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं कर सकते, बट हाँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी. अब सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स जो है वो इम्प्रूव करने होंगे. आप बेसिक्स क्लियर करो, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पर जाओ, उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. अपार्ट फ्रॉम DSE, कैन आई अप्लाई फॉर द JNU 2020? डू आई हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन? नहीं, आप अभी अप्लाई कर सकते हो, सेशन अभी ओवर नहीं हुआ, यानी एप्लीकेशन डेट ओवर नहीं हुई है. आप JNU में भी अप्लाई कर सकते हो, आप DSE में भी अप्लाई कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सोनू. मैक्रो माइक्रो के लिए किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करना है आपको? देखो, ये तो कोई नहीं बता सकता कभी भी DSE एंट्रेंस के लिए कि आप किस पार्ट पर ज़्यादा फोकस करो. किस पार्ट से मतलब, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप बेसिक पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बिकॉज बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और लोग बेसिक क्वेश्चन ही नहीं कर पाते. तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बेसिक्स, बेसिक्स क्लियर करो. जैसे कि एग्जांपल देता हूँ बेसिक का, जैसे कि ये सबको पता होता है कि 2 ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ये तो बेसिक चीज़ हो गई. लेकिन अगर यही क्वेश्चन में इसकी रीजनिंग पूछ ली जाए और 4 ऑप्शंस दे दी जाए, 4 ऑप्शंस,
तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मुश्किल हो जाती है। तो बेसिक सिर्फ आना ही बड़े नहीं होता, बहादुरी होती है या फिर सफिशियंट है कि आपको बेसिक आ गया। बेसिक का आने का मतलब है आपको उसकी रीजनिंग पता होनी चाहिए, उसका लॉजिक पता होना चाहिए, उसकी कंडीशंस फुलफिल कैसे होती हैं ये पता होना चाहिए, तब कहेंगे कि आपका बेसिक क्लियर है। सो उसी हिसाब से आप बेसिक अपना क्लियर करो। सेकेंड क्वेश्चन इज बुक लिस्ट। बुक लिस्ट डिस्कस करेंगे, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है बुक लिस्ट और एलिजिबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसको हमने स्लाइड के एंड में 3-4 स्लाइड बना के डाला है, उसमें स्क्रीन शॉट वगैरह डाले गए हैं, तो आप रिफ़र कर लेना, देख लेना। इंडियन इकोनॉमिक और पब्लिक फाइनेंस स्किप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन डीएससी में ना के बराबर है और सेम पब्लिक फाइनेंस के लिए है। यहाँ से कभी कभी भोला भट्ट का 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना क्वेश्चन नहीं आते। सो इंडियन इकोनॉमी और पब्लिक फाइनेंस आप स्किप कर सकते हो। इसको स्किप करके जो टाइम बचेगा आप उसको रिवीजन में लगा सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन कर लो, मैक्रो की रिवीजन कर लो, मैथमेटिकल इकोनॉमिक की रिवीजन कर लो, इकोनॉमेट्रिक्स की रिवीजन कर लो और गेम थ्योरी। ये मेजर मेजर प्रोपोर्शन ही यही है। आपको प्रिपेयर क्या करना है, माइक्रो करना है, मैक्रो करना है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स करना है, इकोनॉमेट्रिक्स करना है और गेम थ्योरी, इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंकिता, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीएससी। हाउ टू प्रिपेयर, देखो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू डू योर बेसिक्स, डू इट ऑनेस्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि बस कर लिया, डू योर बेसिक्स ऑनेस्टली, बेसिक करो, देन प्रोसीड फॉर द इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पे आप सब्जेक्ट कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आता है, आप उसको प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस अ लॉट। यू मीन यू यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर द डीएससी एंट्रेंस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बेसिक भी क्लियर होता है, इंटरमीडिएट लेवल पे भी अच्छे होते हैं वो लोग, नॉलेज होती है, बट दे डू नॉट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से वो नहीं होता उनका एग्जाम क्लियर। क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, क्वेश्चंस के वेरिएशन समझ में आते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आती है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। थर्ड क्वेश्चन इज नहीं सेकेंड इज हाउ कैन आई ज्वाइन द मॉक टेस्ट फॉर डीएससी। डीएससी का अभी तो कोई मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जेएनयू का मॉक टेस्ट अवेलेबल है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर डीएससी। मैंने पहले भी बताया डीएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, ऑल यू हैव टू डू इज बेसिक क्लियर करो, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे जाओ, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, यही है बस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट। देखो एप्लीकेशन प्रोसेस तो स्टार्ट है, अभी चल रहा है, एग्जाम डेट्स ओवर नहीं हुई है, अभी आप अप्लाई कर सकते हो। टाइप योर क्वेरी इन विच मंथ डीएससी एंट्रेंस एग्जाम यूजुअली हेल्ड एवरी ईयर। किस ईयर में हेल्ड होता है? जून में होता है। डीएससी भी जून में होता है, जेएनयू भी जून में होता है, दोनों ही हमेशा जो होता है जून में होता है। इस डीएससी एंट्रेंस इज द सेम एज अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस प्रोसेस। नहीं, डीएससी इज नॉट लाइक ऑल अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। डीएससी इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जामिनेशन। बाकी सब जगह पे आपको प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, एक स्मूथ सा दिखाई देता चीज़ें, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पैटर्न थोड़ा सेम रहता है, बट यहाँ पे डीएससी में क्या होता है ना, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं। कभी किसी प्रोपोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी किस प्रोपोर्शन से ज़्यादा सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, कभी माइक्रो से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, कभी माइक्रो से आ गए, कभी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पे आपको वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलती है और जो प्रिडिक्टेबिलिटी होती है वो 0 होती है। तो डीएससी इज़ अलॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशंस करनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी उसी हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राधिका, आई एम गोइंग गोइंग टू बी ए बीटेक ग्रेजुएट एंड एस्पायर टू परसू पीजी फ्रॉम डीएससी, सो प्लीज़ टेल मी द बेस्ट रिसोर्सेज और द थिंग्स आई शुड कवर फर्स्ट टू स्कोर वेल। देखो फर्स्ट सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कवर योर बेसिक्स, यू हैव टू डू योर क्लियर योर बेसिक्स, हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कंसेप्ट एंड डू इट ऑनेस्टली एंड देयर आफ्टर प्रोसीड फॉर टू द इंटरमीडिएट लेवल एंड देयर आफ्टर गो फॉर द प्रैक्टिस सेशन। यही स्ट्रेटजी है, यही प्लानिंग है, सबके लिए यही है। ऐसा नहीं है कि आपका इकोनॉमिक का एक्सपोजर है तो डिफरेंट होगा, या फिर आपका इकोनॉमिक का बैकग्राउंड नहीं है तो डिफरेंट होगा। सबके लिए सेम चीज़ स्ट्रेटजी है, सेम चीज़ फॉलोअप करनी है। आपको बेसिक क्लियर करो, बेसिक क्लियर होने के बाद कंसेप्ट की इंटरमीडिएट लेवल पे जाओ, जब इंटरमीडिएट लेवल पे आप चले जाओ तो उसके बाद आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस अलॉट। पास्ट ईयर के पेपर अगर आप खरीद लो, बुक सेट आते हैं वो सब परचेस करो और फिर करो। और रिसोर्सेज की बात हो रही है, देखो रिसोर्सेज, देखो इस वीडियो के एंड में वी आर गोइंग टू शो यू सम ए बुक लिस्ट विच यू कैन फॉलो अप, और बाकी ने जो रिसोर्सेज हैं अगर आपको कोई और हेल्प या नीड चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं वो आपके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो कैचअप ऑन टेलीग्राम सो दैट वी कैन डिस्कस बेटर अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
what should be the perfect plan to opt for 2 months? 2 months is like very less time for a new student, because 2 months mein kar paana is like impossible task, because DSE is a very versatile examination. So 2 months is a less time, but still you can do it if you are going, if you can clear your basic concept within 2 months. Matlab agar aap mehnat karo, if you are sincere, you can toil, then you can do it. तो करना क्या है उसके लिए, सेम चीज़ है, मैं वीडियो में लास्ट 2-3 बार बोल चुका हूँ. यू हैव टू क्लियर योर बेसिक फर्स्ट, देर आफ्टर गो फॉर द इंटरमीडिएट लेवल, एंड देर आफ्टर डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे. फर्स्ट स्टेप इज बेसिक, सेकेंड स्टेप इज इंटरमीडिएट लेवल, उसके बाद प्रैक्टिस. वट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? स्ट्रेटजी भाई अभी जो बताया मैंने बोला वही स्ट्रेटजी है. मेरे सबसे बेस्ट प्लान यही है. बेस्ट बुक्स टॉपिक वाइज, बुक भाई अभी बताएंगे थोड़ी देर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई गेट इनटू डीएससी विदाउट स्टडिंग पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स? यस, यू कैन स्किप ऑल दिस थिंग्स. पब्लिक फाइनेंस स्किप कर सकते हो आप, इंडियन इकोनॉमिक्स स्किप कर सकते हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो स्किप कर सकते हो. पब्लिक इकोनॉमिक्स थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, रिस्की इन द सेंस पब्लिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, और मैं सजेस्ट नहीं करूँगा स्किप करने के लिए. अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम, तो पब्लिक इकोनॉमिक आप स्किप कर दो. लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है तो पब्लिक इकोनॉमिक्स कर लो, स्पेशली कोस थियोरम कर लेना, एक्सएनएलटी वाला पूरा पोर्शन कर लेना, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कर लेना. दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम द डीएससी वेबसाइट. यहाँ पे डीएससी एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी दी गई है. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बताया था कि 2 तरह से एडमिशन होता है, एक एंट्रेंस बेस पे और दूसरा मेरिट बेस पे. तो एंट्रेंस बेस के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप साफ साफ लिखा हुआ है आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से. और सेकंड थिंग क्या चाहिए आपको, मार्क्स रिक्वायरमेंट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपकी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए. और अगर आप वही मेरिट बेस पर एडमिशन लेना चाहते हो तो पहली चीज़ तो ये है कि आप डीयू में इकोनॉमिक ऑनर्स के स्टूडेंट होने चाहिए. और सेकंड थिंग इज दैट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए. लेकिन एक्चुअली में मेरिट जो जाती है ना डीयू की, वो 80% के अबव जाती है. सो मतलब आपके ग्रेजुएशन में आप तो डीयू में आपका एडमिशन होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक ऑनर्स में एडमिशन होना चाहिए, और थर्ड थिंग इज़ आपके जो मार्क्स हैं वो 80% से अबव होने चाहिए. उसके बाद आप मेरिट बेस पे एलिजिबल होंगे. बाकी एंट्रेंस बेस पे आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, यानी 60% मार्क्स चाहिए. लेकिन जो जेएनयू का ये स्क्रीनशॉट है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स SIS, यहाँ पे इन्होंने खाली ग्रेजुएशन मांगी है और प्लस 50% मार्क्स, यानी आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो. सेम थिंग इज़ SSS के लिए भी यही है. SSS के लिए भी आपको बैचलर होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% मार्क्स चाहिए. अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप जेएनयू के लिए एलिजिबल हो. बेसिक सी चीज़ है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप बीटेक वगैरह करके आते हो, बीएससी करके आते हो, हिस्ट्री करके आते हो, ज्योग्राफी करके आते हो, कुछ भी करके आओ, इन लोगों को मतलब नहीं है उससे. आपके 60% मार्क्स होने चाहिए डीएससी के लिए, 50% मार्क्स होने चाहिए जेएनयू के लिए. देयर आफ्टर यू हैव टू क्लियर देयर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अगर आप उनका एंट्रेंस क्लियर करते हो तो वो आपको एलिजिबल मानते हैं, आपको एडमिशन जो है ऑफर करा जाएगा. अब ये जो लास्ट स्लाइड है इसमें ये है कि बुक लिस्ट, बट यू कैन फॉलो अप फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशंस. तो माइक्रो के लिए तो वेरियन और मैनक्यू, ये आपकी बेसिक बुक्स हैं. आप इनको रीड आउट करो, थ्रोली रीड आउट करो, अपने बेसिक्स क्लियर करो. उसके बाद आप निकोलसन कर सकते हो. अगर आपको निकोलसन अच्छी लगती है तो करो, अगर नहीं अच्छी लगती तो स्किप कर सकते हो आप इसको. लेकिन ये जितने भी ब्रैकेट में बुक्स के नेम लिखे हुए हैं ना, आपको ये इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स हैं, एडवांस लेवल की बुक हैं, आपको ये करनी ही करनी है. जैसे कि अगर कोई मान लो इकोनॉमिक ऑनर्स का स्टूडेंट है, उसने 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, वेरियन को एक बार रफली रीड कर लिया, उसके बाद डायरेक्टली आप एडवांस लेवल की बुक पे चले गए. सेम में मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, मैक्रो में अगर आपके कंसेप्ट बेसिक क्लियर करने हैं तो डॉन बुश करो, ब्लेंचेट करो, फ्रोयन करो. इनको करने के बाद आप डायरेक्टली रोमर की बुक पे स्किप मतलब उसके जा सकते हो, उनको रीड आउट करो. ये जो ब्रैकेट वाली बुक्स है ना, आपको बेसिक क्लियर करनी है फिर इन बुक्स पे आना है. आपको डायरेक्टली इन बुक्स पे नहीं आना, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आप समझ नहीं पाओगे अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो. मैथमेटिक्स के लिए देखो 2 बुकें हैं, एक सिटर है, दूसरी एसी चियांग है. इन दोनों में से कोई एक कर लेना. मुझे जो है ये हेमंड वाली जो है सिटर है वो ज़्यादा अच्छी लगती है. और अगर आपकी बेसिक बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म का मतलब आपका बेसिक आपको मैथमेटिक्स का नहीं आता, इफ़ यू आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स, गो टू फॉर चॉम सीरीज. चॉम सीरीज बहुत सी बेसिक बुक आती है मैथमेटिक्स के लिए, नहीं बेसिकली सबके लिए आती है, बट फॉर मैथमेटिक्स यू कैन रिफर टू चॉम सीरीज.
और एक साइमन एंड ब्लूम भी आती है, वो भी आप कर सकते हो। साइमन एंड ब्लूम बस थोड़ी मोटी बुक है तो लोग बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं देख के, बाकी कर सकते हो आप करना चाहो तो। और 12th लेवल तक की मैथमेटिक्स मस्त है। अगर आपने 12th मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तो आपको NCERT वगैरह उठा लेना, RD शर्मा उठा लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, कैलकुलस वगैरह, मैट्रिक्स हो गया, फंक्शंस हो गया, सेट हो गया, रिलेशंस हो गए, वो सब आपको आने चाहिए। तो 12th लेवल की बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से, तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्टेट्स है, स्टेट्स में आपको स्ट्रॉम सीरीज की बुक है वो फॉलोअप करनी, और कुछ नहीं करना। इकोनॉमेटिक्स के लिए गुजराती करनी है, गुजराती के अलावा और आपको और कुछ नहीं करना, गुजराती इज सफिशियंट। और गेम थियरी के लिए आती है ऑसबॉर्न। अच्छा, ऑसबॉर्न आपके खाली स्टार्टिंग के 5 या 6 चैप्टर करने हैं आपको बस। बट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गेम थ्योरी स्किप कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, गेम थ्योरी स्किप नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं गेम थ्योरी में, और आपको खाली अगर 5 या 6 चैप्टर करने हैं, 5-6 चैप्टर करने के बाद आपको पता है कि 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो मैं समझता हूँ ना कि आपको गेम थ्योरी कर लेनी चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़्यादा अच्छा है गेम थ्योरी में इन कंपेरिजन टू बाकी सब अदर, तो गेम थ्योरी कर लेना। बाकी स्टडी मटेरियल में से कोई बुक या फिर और कोई स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ओके, आज की वीडियो को मैं बस इतना ही। थैंक यू।